पहले सोयाबीन बोया था हमने, ना सोयाबीन काटी कर कल्टीवेटर ट्रैक्टर से करवाया और बक्खा दी कर, अब देसी चना बोई रहे हम। हट देखो ये गारो है, ये लड्डू बंदी रहे बिल्कुल अपन लड्डू वालो अच्छा बढ़िया हाल है, बढ़िया नमी है, अच्छा उगेगा। वो नाई से कहिए, नाई ऊपर उप गई नहीं, एक बार अपन दबाए हुए जान दो तो कम से कम इतने तो गेर हो जाए, मतलब आधा फुट से थोड़ा कम जाए ना, वो अपना फेडेक से तो फरी पड़े नहीं, फेडेक से कम एक मुठ का अंदाज में पड़ते हैं, 3 इंची 2.5 इंची। देखो ये चने अच्छे पक गए, अभी है देरी इनमें कटने की, पर 15-20 रोज में कट ही जाएगा, पक गए नहीं तो ये अच्छे जल्दी बो दे तो हो गए। नमी को उपयोग करने से ये चने हो ही नहीं तो हो थोड़ी पाते, जरा सा आलसपना कर जाते नहीं तो नहीं होते ही चने। जैसे कार्तिक का महीना है, दिवाली का आसपास ही गेहूँ बोवाते हैं, और चने का समय तो और जल्दी हो जाता है नहीं, कुंवार में ही हो जाता है, क्यों उसको चने में जल्दी नमी संभालनी पड़ती है, तो बिना पानी का अपन चना बोना है तो जल्दी जल्दी हल चला दो, जल्दी जल्दी बखर चला दो और जल्दी जल्दी नमी नमी बो दो, और बाकी ज़मीन बच गई है तो उसी चीज़ काबिल है गेहूँ बोने काबिल, तो उतनी ज़मीन में बो दो गेहूँ। वह ज़मीन हमारी जो खाली पड़ी नहीं, वो कभी ऐसे ही कभी ये भी होती नमी नहीं होती तो ये भी खाली पड़ी रहती, इधर वाली भी वो नमी जहाँ जितनी दूर नमी थी उतनी दूर बोवाएगी चने, और उधर वो टिब्बे पे खाली पड़ी वैसे ही इधर खाली पड़ी, तो नमी देख के बीच में बो दिए हमने चने।